Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. Hey guys, welcome back to my channel once again. घर बैठे बैठे बहुत वीडियोस बन गए थे तो मैंने सोचा आज बाहर चलते हैं, वहीं शूट करते हैं। पता चला है पास में एक भैया रहते हैं, उनके जर्मन शेफर्ड ने बेबी दिया अभी, तो चलिए चेंज करते हैं और उनसे मिल के आते हैं। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many. अभी हम एक भैया के यहाँ आए हैं जो कि बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड हैं हमारे, तो अभी हम उनके घर पे पहुँच गए, उनको पता नहीं है कि हम आज मिलने वाले हैं उनसे, तो चलिए उनके घर के अंदर चलते हैं, उनको सरप्राइज करते हैं। हे अमृत्या, क्या हाल है यार? अरे हेलो, कैसे यार? बस आ गए, मैंने बोला बहुत टाइम हो गया तो मिल लेते हैं अमृत भैया से, देखते हैं कैसा है हाल चाल। चले बैठते हैं। टाइम हो गया हम लोगों को मिले, कहाँ थे यार इतने दिन, क्या कर रहे थे आप? एक्चुअली हम तो पटना ही रहते हैं और पटना में ही अपना सब काम वाम है, अभी लॉकडाउन काफ़ी दिनों से है तो बस यहाँ पे आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी चेंज हो गया है अपना भी, मज़ा आता है यहाँ पे आके और दिल तो अब करता है यहीं रहे। सुने कि आपके घर में जर्मन शेफर्ड बेबी दिया है, बहुत क्यूट होंगे वो तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज के ये बेबीज़ हो गए हैं। 2 साल से हमारे भैया इनको रखे हैं और भैया को काफ़ी प्यार है डॉगीज़ से और काफ़ी टाइम देते हैं उन्हें, मतलब कि उनका अपना शॉप है मोबाइल का, बट मोबाइल के शॉप को देखते हुए भी अपने पैशन को छोड़ते नहीं हैं और उनका ये हमें लगता है कि पैशन है और वो काफ़ी टाइम देते हैं। तो 45 डेज़ के हो गए हैं बेबीज़, ये बहुत क्यूट होंगे, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इनसे मिलने के लिए, आप भी होंगे फॉर श्योर। तो चलिए अमृत भैया, व्यूअर्स को भी वेट नहीं कराते, अब डॉगीज से मिलवाते हैं इनको, चलिए तो लेके आते हैं डॉगीज़ को। यहाँ हम एक पप्पी के साथ हैं, हम सबको लेके बाहर नहीं आ सकते क्योंकि हम नहीं संभाल सकते सबको, तो ये देख सकते हैं आप, हेवी बोन में डबल कोट जर्मन शेफर्ड है ये, बहुत प्यारे पप्पी हैं इनके, ये सारे पप्पीज बहुत हेल्दी हुए हैं। हाँ, हमारे साथ है गोलू, ये इनके ट्रेनर हैं, पिछले 1 महीने से यही देखभाल कर रहे हैं इनका, तो अरे बाप रे, तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इनके बारे में। तो गोलू, ये कितने दिन के हो गए हैं पप्स? 45 डेज के। और क्या खाते हैं अभी? मदर फीड पे हैं और सिर लेग पे भी हैं। काफ़ी हेल्दी हुए हैं ये, काफ़ी एक्टिव रहे हैं शुरू से, नहीं देख सकते हैं, लॉन्ग कोट में है और प्रॉब्ली एंगुलेशन है, ये आप देख सकते हैं, बता भी रहे कि एंगुलेशन भी बहुत प्रॉपर है इनका, लॉन्ग कोट में हेवी बोन वाले बेबीज हैं। इनकी मदर कितने महीने की हुई हैं? 18 मंथ की हो चुकी होंगी, सेकंड हीट आया था तब क्रॉस कराया था। बहुत सही टाइम है ये क्रॉस कराने का डॉग्स के, तो ये काफ़ी हेल्दी बच्चे, ये भी एक वजह है होने के। तो अनुप भैया तो आ नहीं पाए, बट उनकी कमियां उनकी बेटियां पूरी करेंगी, तो इनसे ही इंटरव्यू करते हैं चलिए हम। तो कैसा लगता है आपको खेल के इनके साथ? अच्छा लगता है। और परेशान नहीं करता तुमको ये? ना नहीं, काटा तो नहीं है तुमको कभी? नहीं, ये नहीं काटा है, लेकिन जिमी का बच्चा काटा है। जिमी का बच्चा। इनके साथ खेलने में बहुत मजा आता है और ये बहुत क्यूट भी है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये पपीज चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बट उससे पहले वॉच दिस।